हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर ऑल ऑफ यू। वेलकम इन द मुजफ्फरनगर ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। माई सेल्फ मिस्टर सुमित कुमार सहरावत, इंग्लिश लेक्चरर फ्रॉम महर्षि सुखदेव इंटर कॉलेज मोड़ना मुजफ्फरनगर इन यूपी। आज हम 12th इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, जो कि पोंजी कारा रैफी के द्वारा लिखी हुई है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, और इस महामारी को रोकने के लिए, इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए पूरे विश्व के वैज्ञानिक, हमारे भारत के वैज्ञानिक वैक्सीन की तलाश में लगे हुए हैं, वैक्सीन की सर्च में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं मिल पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी का फिलहाल बचाव ही सबसे बड़ी सावधानी है, सावधानी ही बचाव है। तो आप सभी बस मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए इस बीमारी से बचने का प्रयास करें, अपने लिए और अपने अपनों के लिए। जैसा कि सबसे पहली बार अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक बार बार धोते रहें, अच्छी साबुन से सैनिटाइज करते रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें। घर से अनावश्यक बाहर ना जाएं, अगर बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी बनाकर रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, और अपने मुंह को किसी रुमाल या किसी कपड़े से या मास्क से ज़रूर ढक कर रखें, और अपने हाथों में ग्लव्स पहनें। तो स्टे होम एंड सेफ फॉर योर सेल्स एंड योर्स। तो अब शुरू करते हैं हम द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर जो है पोंजी कारा रैफी के द्वारा लिखा हुआ। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, द गोल्ड वॉच इज ए स्टोरी ऑफ प्री इंडिपेंडेंस डे। सोने की घड़ी एक कहानी है, कब की कहानी, प्री इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी के दिनों से पहले की, जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ उस समय से पहले की एक कहानी ये लिखी पोंजी कारा रैफी ने। एट दैट टाइम, उस समय मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल, अधिकतर भारतीय लोग वर पुअर, गरीब थे। उस समय अधिकतर भारतीय लोग गरीब थे। शंकु वाज वन ऑफ सच पर्संस, शंकु उनमें से एक व्यक्ति था, यानी कि उन गरीबों में से शंकु एक व्यक्ति था। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो शंकु है, शंकु नाम का एक व्यक्ति जो कि एक फैक्ट्री में कार्यरत था मजदूर के रूप में। बट ही हैड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, लेकिन उसकी दृढ़ चारित्रिक विशेषताएं थी या उसमें दृढ़ चारित्रिक गुण थे। गरीब भले ही था वो, लेकिन उसके अंदर दृढ़ इच्छा के साथ चारित्रिक विशेषताएं थी, उसकी क्वालिटीज थी, उसके मन में एक स्वाभिमान था। लेकिन गरीब होने के कारण कुछ परिस्थितियां उसके सामने ऐसी आई कि उसे ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा काम करना पड़ गया, वो मैं स्टोरी में आपको बताऊँगा। देयरफॉर सरकमस्टेंसेस कॉल्ड हिम टू स्टील हिज मास्टर्स गोल्ड वॉच, इसीलिए परिस्थितिवश उसे अपने स्वामी की या अपने जो मालिक थे जहां वो काम करता था उसकी सोने की घड़ी चुराने के लिए विवश कर दिया। कुछ परिस्थितियों ने उसे सोने की घड़ी चुराने के लिए विवश कर दिया, और किसकी सोने की घड़ी थी, उसके मास्टर्स की यानी कि उसके स्वामी की जहां वो काम करता था। द स्टोरी इज ए मोरल टेल एंड टीच अस, यह कहानी हमें एक नैतिकता का उद्देश्य सिखाती है और हमें एक शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है, नॉट टू अडॉप्ट, ग्रहण ना करने की या कोई ऐसा कार्य ना करने की, रॉन्ग मीन्स गलत रास्ता या गलत रास्ता अपनाने की,
गलत रास्ता ना अपनाने की शिक्षा देती है यह कहानी। मीन्स इवन इन अनफेवरेबल सरकमस्टेंसेस, जो कि अपने पक्ष में परिस्थितियां ना हो, अर्थात अगर अपने पक्ष में या अपने विपक्ष में परिस्थितियां हैं, अपने पक्ष में परिस्थिति हमारी नहीं है, तब भी हमें गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। टू स्टील समथिंग, कुछ भी चुराना या किसी भी वस्तु की चोरी करना इज ऑलवेज, सदैव होता है, रिगार्डेड ए सिन एंड ऑफेंस, एक पाप और एक दोष के रूप में ही माना जाता है। एक पाप और दोष के रूप में ही किसी भी वस्तु को चुराना या किसी भी परिस्थिति में चुराना हमेशा गलत ही माना जाता है। तो इस तरह से ये अबाउट द लेसन, यानी कि इस लेसन के बारे में क्या क्या बताया गया है, किस शिक्षा के लिए, यानी कि इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब मैं इसकी समरी आपको समझाऊंगा इस चैप्टर की। तो समरी के लिए आप अपनी जो है बुक इंग्लिश और इसमें शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर एक बार देख लेंगे। तो यह है एक मजदूर की कहानी है जो पोंजीकारा रैपी ने लिखी। शंकु नाम का एक मजदूर था और शंकु एक कारखाने में काम करने वाला एक सैलरीड, यानी कि जो कम वेतन उसे मिलता था, कम वेतन पर काम करने वाला एक मजदूर था और वह बहुत गरीब था। उसका जो वेतन था लगभग इतना था कि अपना परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल वो चला पाता था। उसकी माता का भी देहांत हो चुका था। उसके परिवार में एक पत्नी और दो बच्चे थे। एक तीसरे बच्चे की आने की और शीघ्र आशा थी। अब परिस्थिति इस प्रकार की आती है कि उसकी माता की बरसी आप जानते हैं, यानी कि उसकी माता जी की मृत्यु को एक वर्ष हो चुका था। तो एक वर्ष बाद जो एक कार्यक्रम किया जाता है हवन या पूजा पाठ आदि करा के, तो उस बरसी के कार्यक्रम में शंकु को जो है सम्मिलित होना था, जाना था। तो मान लिया कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें खर्च तो होगा ही, तो अतिरिक्त खर्च एक और उसके सामने आ रहा था अपनी माता की बरसी में जाने के लिए। इसलिए वह कुछ पहले से ही परेशान था, क्योंकि वह कई लोगों से कर्जा ले चुका था। वह किराने की दुकान से भी कर्जा लिए हुए था, चाय वाले से भी कर्जा ले रखा था उसने, चाय वाले के पैसे उधार थे। कुछ धन उसे चाय वाले को देना था, कुछ धन उसे दुकानदार को देना था जहाँ से वह सामान लेता था। कोई मछली वाली औरत थी जो मछलियाँ बेचा करती थी, उसका भी धन उस पर उधार था। परिवार की बहुत सी जरूरी आवश्यकताएं थी, कुछ ऐसी जरूरी आवश्यकताएं थी जो वो धीरे धीरे पूरा करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था, और कर्जे के कारण वो कर्जे के बोझ में भी दबा हुआ था। और इस प्रकार की कई अनेक घरेलू समस्याओं से वह घिरा हुआ था, और इन समस्याओं से घिरने के बाद वह इतना तनाव में रहने लगा, दिन रात चिंता में रहने लगा कि उसे रातों की नींद भी उसकी गायब हो गई थी। रात को वह सही तरह से नहीं सो सकता था, वह परेशान रहता था, घबराया हुआ रहता था और चिंतित रहता था बहुत ज़्यादा। और इस समस्या को सॉल्व करने की, इस समस्या का हल ढूंढने की वह बहुत कोशिश करता था दिन रात। दिन में काम करते करते भी रात को खाट पर लेटे लेटे सोने की तो उसे, क्योंकि जब वो चिंता में रहता था सो तो नहीं सकता था सही तरह से, लेकिन फिर भी वह परेशान रहता था और सोचता रहता था कि किस तरह से समस्या का हल ढूंढो, लेकिन उसके पास कोई हल नहीं था। अब एक दिन ऐसे ही काम करते करते फैक्ट्री में एक दिन उसकी नज़र अपने इंजीनियर, जो उसके इंजीनियर थे, सीनियर थे जो, उनकी मेज पर पड़ी। उनकी मेज पर एक सोने की घड़ी हमेशा रखी रहती थी, वो अपने हाथ में नहीं बांधते थे, सोने की घड़ी मेज पर रखी रहती थी। शंकु ने कई दिन तक ध्यान किया कि वो घड़ी हमेशा उसी मेज पर रहती थी, सुबह हो शाम हो दोपहर हो, हमेशा उसी मेज पर वह घड़ी रहती थी।
इंजीनियर उसका सीनियर था, अफसर था, अधिकारी था उसका, लेकिन शंकु के सामने अपने जो कर्जे की समस्याएं थी उन समस्याओं को हल करने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। शंकु के मन में अचानक से विचार आया कि क्यों ना मैं इस घड़ी को उठा लूं और इस घड़ी को उठाकर इस घड़ी को बेच दूं। इसको बेचकर जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं उससे अपना कर्ज उतार सकता हूं, और कर्ज उतारने के बाद में जो उस पैसे बचेंगे उन पैसों से मैं अपनी बाकी समस्याएं भी हल कर सकता हूं। तो उसके मन में लालच आ गया कि वह उसे किसी दिन मौका देखकर चुरा ले। अब उसने चुराने के लिए सही समय चुना, और सही समय क्या था, दोपहर का लंच टाइम, मध्याह्न भोजन का समय, जब सभी मजदूर भोजन के लिए चले जाते थे उस समय वे इंजीनियर भी जिनकी वह घड़ी थी वो भी भोजन के लिए चले जाते थे। तो शंकु ने कई दिन तक देखा कि भोजन के समय कोई भी उस ऑफिस में नहीं रहता था, उस कार्यालय में मेज की वो सोने की जो घड़ी थी मेज पर ही रखी रहती थी और सब चले जाते थे, आसपास कोई नहीं रहता। तो शंकु ने निश्चय कर लिया कि मैं एक दिन मध्याह्न भोजन के समय ही इस घड़ी को चुरा लूँगा। अब शंकु ने एक दिन निश्चय करके मौका देखकर वो घड़ी चुराने की पूरी मन में ठान ली, और जब सभी भोजन के लिए चले गए, इंजीनियर साहब भी चले गए, शंकु धीरे धीरे अपने घबराए हुए कदमों से, क्योंकि उसके मन में डर था कि कोई देख ना ले, इधर उधर देखा और जाकर उसने सोने की घड़ी चुरा ली। लेकिन सोने की घड़ी चुराते चुराते उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसके मन में डर था कि कोई तुझे ना देख ले। एक बार उसने घड़ी चुराते चुराते रुक गया कि नहीं, ये गलत है, चोरी करना गलत है। लेकिन फिर उसके मन में आया कि अगर मैं ये घड़ी नहीं चुराऊंगा तो मेरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, मेरे पास इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। उसने दृढ़ निश्चय किया, अपने मन को कड़ा किया, और कड़ा करके अपने कांपते हुए हाथों से घड़ी उठाई और उठा के अपनी जेब में रख ली। जेब में रखते ही तुरंत वह ऑफिस से बाहर निकल गया। कार्यालय से बहार आते ही फिर वह भय से कांप गया, उसे फिर दोबारा से डर लग गया। क्या डर लग गया, उसके मन में डाउट हो गया, उसके मन में संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ, कि किसी ने उसे देख लिया है। हालांकि किसी ने उसे नहीं देखा था, लेकिन वह एक ईमानदार व्यक्ति था, गरीब था, वो तो मजबूरी में उसने चोरी की, लेकिन फिर भी उसके मन में भय था कि नहीं, शायद मुझे किसी ने देख लिया है, और जिस किसी ने भी मुझे देखा है वह जाकर चौकीदार को बता देगा, चौकीदार मुझे गेट पर ही रोक लेगा, रोकने के बाद मेरी तलाशी होगी। उसके मन में अपने आप ही ये विचार आते रहे, और तलाशी होने के बाद जब मेरी जेब से घड़ी निकलेगी तो सब मुझे अपराधी कहेंगे, सब मुझे चोर चोर कहेंगे, चोर चोर कहकर मुझे पुकारेंगे, मेरा अपमान होगा, इंसल्ट होगी मेरी, मुझे बहुत डांटा जाएगा, धमकाया जाएगा, सभी के सामने मेरी इंसल्ट की जाएगी, और फिर मुझे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। तो वह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं रख पाया, वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, घबराहट के कारण, उस डाउट के कारण कि शायद मुझे किसी ने देख लिया है, इसलिए वह फिर अपने घबराए हुए कदमों से वापस उसी दफ्तर में पहुंच गया, उसी कार्यालय में पहुंच गया, और घड़ी जहां से उसने उठाई थी चुपचाप इधर उधर देखा और घड़ी को वहीं पर रख दिया, और रखने के बाद में धीरे से एकदम वो ऑफिस से बाहर निकल गया। इस प्रकार से शंकु की वे जो समस्याएं थी, कर्जे की समस्याएं और जो उसके कष्ट थे, वो बिना हल हुए ही रह गए। तो इस प्रकार से ये पोंजीकारा रैफी जो इसके राइटर थे, एक मजदूर को मुख्य पात्र बनाया इस कहानी का, और उसके ऊपर ये कहानी लिखी, और इस कहानी के द्वारा ये संदेश दिया समाज में कि कभी कभी कोई गरीब या मजदूर वर्ग का व्यक्ति जो कर्जे के बोझ के तले दबा होता है, वो ना चाहते हुए भी चोरी जैसा काम कर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी अंतरात्मा जो है उस काम के लिए उसे जो है उसकी सराहना नहीं करती, उसका साथ नहीं देती, अंतर मन से वह फिर भी उसे झकझोर देती है कि नहीं, ये काम गलत है, चोरी करना गलत है। आखिर में वह चोरी नहीं कर पाता, वापिस उसे चोरी
किया हुआ सामान जो है, चोरी की हुई वस्तु वापिस रख के फिर भी चला जाता है, यानी कि उसकी अंतरात्मा जो है उसे चोरी करने के लिए गवाही नहीं देती। तो इस प्रकार से ये रैमजी पोंजी कारा रैफी ने जो है द गोल्ड वास सोने की घड़ी, आपकी ये शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप इसे अच्छे से स्टडी करेंगे, और स्टडी करके मैंने आपको इसकी समरी समझा दी है। स्टडी करने के बाद में आपके जो बोर्ड एग्जाम में है शॉर्ट स्टोरी में से दो क्वेश्चन आते हैं, चार चार नंबर के तीन क्वेश्चन आएंगे, तीन में से आपको एनी टू अटेम्प्ट करने होते हैं। एनी टू यानी कि 4+4 8 नंबर के जो है दो क्वेश्चन आपके शॉर्ट स्टोरी में से आते हैं। एक्सप्लेनेशन इनकी नहीं होती, केवल दो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। तो आप इसे स्टडी करें, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और नेक्स्ट टर्न पे इसका जो नेक्स्ट स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये लेकर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक कीजिए एंड कमेंट्स करके बताइए जो भी आपको अच्छा लगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।